गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाने वालों की आज भी कमी नहीं है। पेट भरने के लिए हमें क्या क्या नहीं करना पड़ता है, ऐसी ही एक लड़ाई जग बहादुर अपने आप से कर रहा है। पिछले एक साल से ऑफिस के चक्कर काटते काटते जग बहादुर थक गया है। उसे अपना हक इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो गरीब है और अनपढ़ है। 19 दिसंबर 2009 को मेरे को एक्सीडेंट हुआ LIC ऑफिस के साथ। करीबन 10 बजे मेरे को चोट लगी थी। अपने मेरा साथ था मान सिंह, असिस्टेंट लाइनमैन, उसने किसी को फ़ोन किया तो फिर कोई था वहाँ, गाड़ी सरकारी गाड़ी थी किसी का, तो उन्होंने डाल के फिर मेरे को हॉस्पिटल भेजा। मेरा जो काम होने वाला बाजू तो बेकार हो गया। मैं खाना खा नहीं सकता, वजन नहीं उठा सकता, मैं बिजली बोर्ड में नौकरी करता हूँ, मेरे से प्लस चलाया नहीं जाता, प्लस पकड़े नहीं जाता। लेकिन ये नहीं पूछते हैं मेरा जे मेरा लाइनमैन फोरमैन कि तेरा हाथ से काम होता है नहीं होता है, कैसे होता है क्या होता है। भयानक हादसे के बाद जग बहादुर का दाहिना हाथ बेकार हो गया। छोटे छोटे काम के लिए जग बहादुर को अपने परिवार पर निर्भर रहना पड़ता है। जग बहादुर से मिलने के बाद उसने मुझे अपने जले हुए कपड़े दिखाए और सारे कागजात दिखाए जो उसने पिछले एक साल से तैयार कर रखे हैं, इस उम्मीद में कि बिजली विभाग के अधिकारी उसकी मजबूरी को समझकर उसे सही मुआवजा देंगे और फिर वो अपने बेकार हाथ का इलाज करेगा और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करेगा। 10 चक्कर मैंने शिमला लगाई लेकिन कभी ना डॉक्टर ही नहीं मिलता है। जब भी मिलता है तो फिर बोला अगले हफ्ते आना, कोई बोलता है 2-3 दिन के बाद आना। तो ऐसा है कि सरकार, बिजली बोर्ड वाले, सरकार अफसर लोग मेरा कोई गायती नहीं कर रहे हैं, कोई पूछ नहीं कर रहे हैं, पूछा नहीं कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है तेरे, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, लेकिन क्या करें, नौकरी तो करनी पड़ेगा। मैं जग बहादुर को पिछले 15 सालों से जानता हूँ। उन्होंने अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से किया, पर जब बड़े अधिकारी इस तरह गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाते हैं तो मुझे शर्म आती है। मैं चाहता हूँ सरकार इस तरह का भेदभाव ना करे और जग बहादुर को उसका हक मिले। अगर आप जग बहादुर की मदद करना चाहते हैं तो संपर्क करें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारी विजय काचरू, फ़ोन नंबर 9418487521। मैं अवधेश नेगी, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से, इंडिया अनहर्ड के लिए।